के प्रशासन के कुछ लोगों के बारे में जो महत्वपूर्ण लोग अकबर के प्रशासन में थे। तो हम एक अकबर के प्रशासन में अगर देखें तो वजीर और बख्शी वो इंपॉर्टेंट लोग हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं। जो अकबर का एक साम्राज्य था, जो अकबर के साम्राज्य को हम लोगों ने समझने की कोशिश की है, अकबर के साम्राज्य में जो एक वजीर और बख्शी वो जो इंपॉर्टेंट लोग थे, वो लोग क्या कार्य देखा करते थे। तो अकबर का जो साम्राज्य था, जो मनसबदारी सिस्टम थी, इस मनसबदारी सिस्टम का एक ऐसा अंग था कि अकबर एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखता स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ द अकबर। ये कैसे हुआ करता था? जो अकबर एक ट्रूप्स मेंटेन करता था बाय द मनसबदार, उसको यूज करता था अपनी आर्मी के लिए जब भी वो चाहता था। तो एक हो गया मनसबदार का ट्रूप, इसके जिसमें वह जब चाहता था यूज करता था। दूसरा दूसरा अकबर क्या किया करता था, अकबर के पास एक सिलेक्ट बॉडी थी, डायरेक्ट अंडर कंट्रोल सिलेक्ट बॉडी, डायरेक्ट अंडर कंट्रोल। तो दूसरी एक सिलेक्ट बॉडी थी वो उसके डायरेक्ट अंडर कंट्रोल में थी। तीसरा एक स्ट्रॉन्ग आर्टिलरी, तीसरा क्या था, एक स्ट्रॉन्ग आर्टिलरी थी। इससे क्या होता था कि मनसबदार अपने ट्रूप्स का एम्परर के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अब देखिए इस तथ्य को जरा आप सवाल भी बनाइए। सवाल क्या बन रहा है कि जो अकबर का एक आर्मी का सिस्टम था, अब इसको कैसे बनाइए, इस पर आपने चेक एंड बैलेंस थ्योरी, इन्फॉर्मेशन का जानना ही महत्वपूर्ण नहीं है, इन्फॉर्मेशन का यूज करना भी महत्वपूर्ण है। तो अकबर की चेक एंड बैलेंस थ्योरी, अब इसको आप सवाल में उठाइए, मनसबदार अकबर के खिलाफ विद्रोह क्यों नहीं कर सकते? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ओनली ए इज राइट, ए बी इज राइट, ए बी सी इज राइट। दूसरा, अब इसी सवाल को आप चेंज पूछना, चेंज चेंज करेंगे, अकबर की चेक एंड बैलेंस थ्योरी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। थर्ड, अकबर की डिफेंस स्ट्रेटजी, अकबर की आर्मी स्ट्रेटजी। आप जितनी तरह से भी सवाल बनाए आंसर इन्हीं तीन से आए। इसी को हम मेंस की तरफ लेके चलते हैं। अकबर ने अपना सैन्य संगठन किस तरह से किया? अगर अकबर के प्रशासन की बात आती है तो अकबर का सैन्य संगठन शामिल है। तो ए, अकबर वॉज हैविंग ए मनसबदारी सिस्टम इन विच द आर्मी ऑफ द मनसबदार हैज बीन यूज बाई। सेकेंड, बिसाइड्स द मनसबदार्स आर्मी और ट्रूप्स, अकबर इज हैविंग द सिलेक्ट बॉडी डायरेक्टली अंडर कंट्रोल। थ्री, ही इज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग आर्टिलरी। ड्यू टू दीज रीजंस मनसबदार कैन नॉट वर्क अगेंस्ट द अकबर। क्लियर? इट्स फाइन, बिठा दे, लवली, ग्रेट। अब आते हैं अकबर के प्रशासन के जो दो महत्वपूर्ण लोग थे, वजीर और बख्शी। वजीर क्या था,
ये देखता था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, वजीर इज लुकिंग आफ्टर द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, पक्षी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। वजीर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन देखा करता था। यह दोनों बड़े इंपॉर्टेंट थे, लेकिन महत्वपूर्ण चीज क्या है, नाइदर ऑफ देम है टोटल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। फैक्ट नंबर बी, फैक्ट नंबर सी, बोथ आर नॉट हैविंग, नाइदर ऑफ देम हैविंग टोटल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। वजीर और बख्शी दोनों इंपॉर्टेंट थे, एक देखता था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, एक नीति ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन नाइदर ऑफ देम, इन दोनों में से कोई भी टोटल कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं रखता था। डी, मोस्ट पावरफुल जो राजा था, शासक था, वह सबसे शक्तिशाली होता था। तो मोस्ट पावरफुल वर्ड है एम्परर, एक दो तीन चार, इन चारों तथ्यों को आप मिक्स करें, इन चारों तथ्यों को आप मिक्स करने के बाद जो आंसर लाते हैं, अब इसी को एबीसीडी से कंफ्यूज किया जा सकता है। व्हाट इफ बख्शी इज नॉट ए मिलिट्री कमांडर, ही इज नॉट ए मिलिट्री कमांडर, इट इज समहाउ, जैसे आज अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री होती है उस टाइप का था, यह मिलिट्री कमांडर नहीं था, यह मिलिट्री को सप्लाई करना था जो जरूरत थी। अब ना जो एक चीफ स्टेबल था खाने सामा, ये क्या करता था, यह रॉयल हाउस होल्ड को अटेंड करता था, यह रॉयल हाउस होल्ड को अटेंड करता था। तो चीफ हाउस खाने सामा था और रॉयल हाउस होल्ड को अटेंड करता था। चीफ काजी क्या था, चीफ काजी हुआ करता था जो हाईएस्ट पोजीशन थी अमंग जजेस, चीफ जस्टिस टाइप कह सकते हो, हाईएस्ट पोजीशन अमंग जजेस, जो जजेस हुआ करते थे उसमें इसकी हाईएस्ट पोजीशन हुआ करती थी। एक ऑफिसर और होता था जो सारे चैरिटेबल ग्रांट्स का और डोनेशन का जो एम्परर और उसकी फैमिली देता था हिसाब होता था, जो एम्परर उसकी फैमिली जितने चैरिटेबल डोनेशन और ग्रांट्स देते थे उनका हिसाब रखता था। जो वजीर और बख्शी थे, ये जो वजीर और बख्शी थे, ये इनके पास नंबर ऑफिसर्स होते थे जिन वो जो इनके अंदर काम करते थे, और यह जो वजीर और बख्शी थे यह उनके कामों का लेखा जो था एम्परर को देता है बार का। तो एम्परर एडवाइस लेता था जनरली इन लोग, तो एम्परर जो एडवाइस लेता था लोगों से, और जनरली उनको कहा दीवाने खास, दीवाने खास में बुलाकर उनसे एडवाइस देता था। तो दीवाने खास में क्या करता था, जो दीवाने खास था वहां पर एम्परर आपके लोगों को बुला के एडवाइस देता, ये क्या था, यहां पर वह प्राइवेट ऑडियंस दिया करता था। दूसरा था दीवाने आम, दीवाने आम में क्या होता था, यहां क्या था पब्लिक ऑडियंस। दीवाने आम और दीवाने खास में क्या फर्क,
दिवाली खास में अपने खास लोगों के साथ वह प्राइवेट ऑडियंस दिया करता था, और दिवाली आम क्या हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस था। तीसरा झरोखा, जिसको औरंगजेब ने बंद करा दिया था। तो झरोखा से वह अपने आदमियों को, अपने लोगों को दर्शन दिया करता था। अब देखिए, इस साल का सवाल जो पूछा आया था कि जो मुगल साम्राज्य था वह कितने भागों में, किस तरह से उसका डिवाइड था। सूबा, सूबे कितने थे जिसको 24 बोलते हैं, तो सूबा 15 था। सूबा डिवाइडेड था फिर सरकार में, सरकार परगने में, और परगना एक ग्रुप ऑफ विलेज। इस साल का सवाल है 2021 का, अगर आप याद करिए सिविल सर्विसेज का, एनसीईआरटी की क्लास 7 में ये होंगे। एग्जैक्टली द सेम चीज है। तो जो साम्राज्य था वह सूबे में डिवाइड था, अकबर के समय सूबे कितने, 15 थे। देखिए, जो सवाल एनसीईआरटी में लिख दिया गया, जो फिगर एनसीईआरटी में लिख दी गई, वो आपको याद करनी पड़ेगी, जो कि आ सकती है। फिर सूबा क्या था, सरकार डिवाइडेड था, सरकार पर बना दो, पर तो ग्रुप ऑफ तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, विलेज। सबसे बड़ी इकाई क्या हो गई, प्रोविंस। अब जो परगना था उसका गवर्नर हुआ करता था, परगना गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। सूबेदार मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन था। सूबेदार क्या था, वह मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करता था। तो जो अकबर के समय का प्रशासन था, उस प्रशासन में सूबा सबसे महत्वपूर्ण था, जो सबसे बड़ी इकाई थी, विलेज एकदम बेसिक इकाई थी। जो परगना था उसको जो गवर्नर प्रोविंस होता था, सूबेदार होते मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करता था। अब वह क्या करता था, वह पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लिखा करता था। अब दीवान क्या करता था, एक दीवान हुआ करता था। दीवान क्या करता था, दीवान जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड है, जो लैंड के रेवेन्यू का रिकॉर्ड है वो रहता था। बख्शी हुआ, बख्शी क्या करता था, जो रेगुलर न्यूज रिपोर्ट थी कैपिटल की, जो कैपिटल की रेगुलर न्यूज रिपोर्ट थी वह एम्परर को दिया करता था। तो जो बक्सी एक रेगुलर न्यूज रिपोर्ट थी द कैपिटल एंड अटेंडेड नीड्स ऑफ द आर्मी इन द सूबा। सूबा में कहा ये सूबा में तो आर्मी की नीड्स थी, तो इसका क्या है, दो काम हो गया, वर्क नंबर ए और वर्क नंबर बी। जो आर्मी की नीड्स थी सूबा की वह अटेंड किया करता था। तो दो महत्वपूर्ण कार्य किसके थे, दो महत्वपूर्ण कार्य थे बख्शी के। तीसरा महत्वपूर्ण था कोतवाल। कोतवाल क्या करता था, कोतवाल रिस्पॉन्सिबल था कैचिंग द क्रिमिनल्स, कैचिंग द क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स को कैच करने का वह रिस्पॉन्सिबल था। तो क्या था, जो लॉ एंड ऑर्डर था उसको देखता था, और जो टाउन का एडमिनिस्ट्रेशन था, जो टाउन का एडमिनिस्ट्रेशन था वह एक क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन देखा करता था। दूसरा, जो वेट और मेजर्स थे, वेट और मेजर्स था वह इंस्पेक्शन किया करता था। जो माप और तौल के थे उनका इंस्पेक्शन क्यों करता था, ताकि जो मर्चेंट्स हैं वह लोगों को चीट न कर पाए। वह एक रजिस्टर रखता था ऑल पर्सन लिविंग इन द नेबरहुड इंक्लूडिंग फॉरिनर्स। तो एक तरह का ये सेंसस ऑफिसर। एक सवाल क्या हो गया, मुगल काल में सेंसस ऑफिसर कौन था, ए दीवान, बी बख्शी, सी
और ऐड कर दो, क्या ऐड करोगे, कुछ और ऐड कर दो, क्या ऐड करोगे, बताओ, कुछ भी ऐड कर दो, वजीर कर दो। चलो परफेक्ट। मुगल काल में कौन सेंसस ऑफिसर हुआ करता था? आंसर क्या हो गया? ये मैं टफ सवाल की श्रेणी में रखूंगा इसको। अब अकबर ने इस बात को रियलाइज किया कि समटाइम्स जो एन ऑफिसर होता है अगर लॉन्ग टाइम तक करता है तो उसने क्या किया, ट्रांसफर पॉलिसी फॉलो की। तो उसको लगा अगर कोई आदमी एक इलाके में ज्यादा समय तक रहता है तो वह वहां पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करता है, तो उसने इंसिस्ट किया ऑफिसर का ट्रांसफर हुआ जाए अगर वह एक जगह पर ज्यादा समय रह रहे हैं। पहले क्या होता था, वजीर एंड मिनिस्टर्स वे पावरफुल एंड कुड डू मेनी थिंग्स जो वह चाहते थे। नाउ एम्परर बिकम मोस्ट पावरफुल। अकबर ने क्या किया, एम्परर को मोस्ट पावरफुल बना दिया। अकबर के पहले के समय में एम्परर मोस्ट पावरफुल नहीं था, तो आप कह सकते हैं कि एम्परर की जो शक्ति थी, सत्ता थी, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसके समय में, अकबर के समय में वह सबसे ज्यादा। अब यह तो हकीकत है कि कोई भी राज्य बगैर अपने रिसोर्सेस के नहीं चल सकता है। तो रेवेन्यू एक महत्वपूर्ण बात होती है किसी भी राज्य के लिए, तो रेवेन्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि कैसे रेवेन्यू बढ़ाया जाए। तो रेवेन्यू इनकम का जो पार्ट था, उस इनकम के पार्ट में लैंड और ट्रेड दो रेवेन्यू के इंपॉर्टेंट पार्ट थे। तो लैंड और ट्रेड दो के माध्यम से वह रेवेन्यू बढ़ाया जाता था, और जो ज्यादातर रेवेन्यू थी वो खर्च कहां होती, द मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू। ऑफिसर्स जो ऑफिसर्स की सैलरी होती थी उसमें मेजर पार्ट जाया करता था, और जो हायर ऑफिशियल रिसीव करते थे वेरी लार्ज सैलरी जो उनको अपनी लाइफ को लग्जरी में, अब आता है लाइफ लग्जूरियस, मुगल काल में लग्जूरियस, लग्जूरियस मुगल काल में ऑफिसर्स की कैसे थी, ए ट्रेड, बी एक्सटॉर्शन, सी सेविंग, डी ड्रग्स। सवाल सवाल क्या हो रहा है, मुगल काल के जो ऑफिसर्स थे, हायर ऑफिशियल्स थे, वह एक ग्रेट लग्जरी में कैसे रहते थे, तो क्या आंसर होगा, लार्ज सैलरी। अगर ये सब सवाल आपने देखा नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन सेंस है। सैलरी थोड़ी हुआ एक्सटॉर्शन करते थे लोग, जो एक ट्रेडिशनल आंसर अगर आप दोगे तो आपसे मिस्टेक हो जाएगा। तो उनकी लग्जूरियस लाइफ का रीजन क्या था कि उनकी बहुत ज्यादा सैलरी थी। अब सैलरी पेमेंट कैसे होती थी, वह चाहता था कि सैलरी का जो पेमेंट है वह कैश में हो, लेकिन फैक्ट क्या था, लैंड रिव्यूज होता था जो जागीर थी। अब जागीर कैसे देते थे, इक्विवेलेंट टू ऑफिस, मान लो सैलरी 5,000 रुपया बनी, तो 5,000 रुपया सैलरी की जो जागीर होती थी जिसकी रेवेन्यू 5,000 होती थी वह उनको दे दिया जाता था। तो अकबर प्रिंसिपली चाहता था कि वह सैलरी कैश में दे, लेकिन फैक्चुअली होता क्या था, जो लैंड रेवेन्यू जो जागीर बोलते, ग्रांट ऑफ, अब जागीर क्या है, ग्रांट ऑफ अनलिमिटेड, ग्रांट ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये क्या है, ये है जागीर, ठीक है, जागीर। तो ग्रांट ऑफ लैंड रेवेन्यू जारी होती थी,
ऑफिसर्स हैं वो कलेक्ट करते थे जागीर से रेवेन्यू। वो क्या होती थी, इक्विवेलेंट जागीर से जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो क्या होती थी, इक्विवेलेंट टू देयर सेल, अपनी सैलरी के इक्विवेलेंट, वह उनके सैलरी के तनख्वाह के बराबर हुआ करती थी। अब यह कैसे इस बात का फैसला हो किस जागीर से कितनी सैलरी आएगी, तो उसके क्या गवर्नमेंट करती थी, क्या थी असेसमेंट करती थी, वह टाइम टाइम पर असेसमेंट किया करती थी, जो लैंड थी उस लैंड से कितनी रेवेन्यू प्राप्त होगी असेसमेंट करती थी। और अकबर चाहता था एक डिटेल इंफॉर्मेशन, प्रोड्यूस एंड रेवेन्यू ऑफ दिस एम्पायर। प्रोड्यूस एंड रेवेन्यू ऑफ हिज एम्पायर के लिए अकबर बहुत ज्यादा सन्नद्ध हुआ करता था, और इसके लिए वो क्या करता था, वह इसको करने के लिए, तो दिस हैज टू बी डन इन ऑर्डर ऑल्सो टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू विच वॉज बींग सेंट टू द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भेजना है उसके लिए भी इसका जानना जरूरी हुआ करता था, इसके लिए एक डिटेल इंफॉर्मेशन। अब सवाल क्या गया, डिटेल इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए होती थी, दो रीजन हो गया, वॉट इट, स्टेट कितना पैसा लेता था, स्टेट का क्या 1/3 तैयार के लिए, मौर्य काल का रेवेन्यू, गुप्त काल का, मौर्य का, सॉरी मुगल का, ये आपको तैयार करना पड़ेगा कि मौर्य काल में कितना टैक्सेशन था, गुप्त काल में कितना था, खिलजी में कितना था, तुगलक कितना था, और मुगल कितना था। तो मुगल काल 1/3 रेवेन्यू लिया करता था प्रोड्यूस का, और प्रिफर करता था कि रेवेन्यू का पेमेंट टैक्स में हो, और राजा टोडरमल को कहा गया कि वह लैंड रेवेन्यू का एस्टिमेट है, सवाल होता था, राजा टोडरमल को कहा गया कि वह लैंड रेवेन्यू का एस्टिमेट बनाओ, तो राजा टोडरमल ने लैंड रेवेन्यू का एस्टिमेट बनाया। अब क्या यह असेसमेंट जो किया गया ये पीजे पे हेल्पफुल था या नहीं था, पहले तो आपको इस बात का आंसर करना है कि पीजेंट को एसेसमेंट यस हेल्पफुल था, हेल्पफुल क्यों था, व्हाई इट वाज हेल्पफुल। अब उनको यह पता हो जाता था कि उनके प्रोड्यूस पर कितना पैसा रखना है, कितना देना है, अब स्टेट और सेल इसके बीच का जो डिफरेंस है वह समझ के वो जान जाते थे कितना पैसा राज्य को देना है, कितना पैसा खुद करना है, रेवेन्यू जो ट्रेड से था, ये सवाल फिर आ गया 9 लाख, इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा, रेवेन्यू ट्रेड से लार्ज नहीं था, तो आप कह सकते हैं मुगल काल के शासक ट्रेड के मामले में बहुत ज्यादा इनोवेटिव नहीं थे, लेकिन जो गुजरात और बंगाल का था इससे गुजरात और बंगाल इसका क्रेश प्रॉस्पर किया और रिचनेस आई, इस समय जो ओवरसीज ट्रेड था इंक्रीज किया मुगल काल के समय। देखिए ये सारी चीज आपके एबीसीडी ऑप्शन के हिसाब से लिखी है, सारी चीजें एबीसीडी ऑप्शन के हिसाब से यह लिखी गई है। तो ट्रेड क्या हुआ, ओवरसीज ट्रेड इंक्रीज हुआ, और ट्रेड एक्सपोर्ट क्या करते थे, टेक्सटाइल, इंडिगो, साल्टपीटर, स्पाइसेस, यूरोपियन बेसिस में इंग्लिश मर्चेंट में। अकबर के होते अकबर ने परमिशन नहीं दिया, वह इंटरेस्टेड नहीं था, ही वाज नॉट इंटरेस्टेड। वाज नॉट इंटरेस्टेड, बस करें या अभी और करें, चलिए क्योंकि आप लोग 100 का क्लास किया, शॉर्ट के क्लास के बाद की क्लास थोड़ा से अच्छी होती नहीं है, जो शॉर्ट इतना इंटेंस पढ़ाते हैं कि आपके दिमाग को आराम चाहिए। वर्ड गॉन, बस करें आज के लिए।
यस और नो? सही, इनफ, ओके। और कोई मेजोरिटी क्या? चलो गर्ल्स बताओ, लड़कियां, लड़कियों की क्या चॉइस है? देखिए इस समय जो लैंग्वेज है, लिटरेचर है, वह एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे मुगल काल का। मुगल काल का जो लैंग्वेज है, लिटरेचर है, आर्ट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हमको थोड़ा से एक इत्मीनान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे सवाल हमेशा आते हैं जो कल्चरल और रिलीजियस डेवलपमेंट है मुगल।